रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी से मिला बड़ा योगदान, साथ ही काशी को मिला 2000 करोड़ का कारोबार। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। साथ ही 18 जनवरी को राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान और पूजन की शुरुआत हो जाएगी। भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर में इस अनुष्ठान के लिए काशी ने अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। यजमान के रूप में जहां काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला को विराजमान कराएंगे, वहीं प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त का समय काशी के ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री द्वारा निकाला गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अनुष्ठान कराने वाले ब्राह्मण और आचार्य भी काशी से हैं और यज्ञ कुंड की पूजन सामग्री भी काशी से अयोध्या भेजी जा रही है। इन सभी के साथ काशी के योगदान में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दरअसल 22 जनवरी को जब भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे तो उसके बाद प्रभु श्री राम का अभिषेक सहस्त्र कलश से किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में मौजूद 121 ब्राह्मण जर्मन सिल्वर के पात्रों में जल लेने के साथ ही भगवान की आचमनी करेंगे। जिस श्रृंगी का इस्तेमाल अभिषेक के लिए किया जाएगा वह सब कुछ वाराणसी की तंग गलियों में बनकर तैयार हो रहा है। अयोध्या के लिए 5,00,000 कलश का ऑर्डर काशी के कारोबारियों को मिला है। बता दें कि कुल मिलाकर करीब 2000 करोड़ के कारोबार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तैयारी में जुटा कसेरा परिवार। कसेरा परिवार 24 घंटे की कड़ी मेहनत करते हुए अपनी टीम के साथ तैयारी में जुटा हुआ है। वाराणसी के कशीपुरा निवासी लालू कसेरा अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी है, जो तमाम धातुओं से मंदिर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के साथ साथ मंदिर के गर्भगृह में लगने वाली धातुओं पर अपनी शिल्पकारी का हुनर दिखाते हुए उसे भव्य रूप देते हैं। जानिए किस खास कलश से होगा भगवान श्री राम का जल अभिषेक। पिछले 20 दिसंबर को लालू कसेरा को ऑर्डर मिला कि उन्हें अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले रामलला के मंदिर में अनुष्ठान के लिए 125 कमंडल, आचमनी पात्र और एक कटोरी जैसा पात्र बनाना है। इसके साथ ही एक अभिषेक कलश भी बनकर तैयार करना है, जिसे सहस्र कलश कहते हैं। इस कलश में 108 छिद्र होते हैं। इसी सहस्र कलश से प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। इस ऑर्डर के बाद यह कसेरा परिवार 24 घंटे कड़ी मेहनत कर तैयारियों में जुट गया है। जर्मन सिल्वर से बने पात्र कुछ तैयार हो चुके हैं तो कुछ पर अभी काम चल रहा है, जो आने वाली 10 जनवरी को अयोध्या भेजे जाएंगे। लालू कसेरा बताते हैं कि यह सभी बर्तन बनाने में उन्हें करीब 1 महीने का समय लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, 1 मिनट न्यूज़।